सीएम योगी ने लखनऊ में किया ध्वजारोहण, बोले आज हम सब एक नए भारत को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम सब एक नए भारत को देख रहे हैं। हमारे संस्कार हमें सदैव माता भूमि पुत्र हम प्रतिज्ञा के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने इस धरती को कभी धरती का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि हमने इसे माँ का दर्जा दिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के समक्ष ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि आगामी 5 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का काम करेंगे। आज यूपी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, भारत की आत्मा यूपी में बसती है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। योगी ने कहा कि आज यूपी दुनिया भर के देशों के लिए निवेश का नया गंतव्य बन चुका है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। हमारे पुलिस के वीरों ने इसके लिए बलिदान दिया, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी। पहले यूपी के विकास की कोई सोच नहीं थी, हमने इस धारणा को बदला। दुनिया के कई देश आज भी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, जबकि हम इसे परास्त कर विकास के पथ की ओर अग्रसर हैं। यूपी ने अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।